इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है फ्रंट गार्डन का ओवरव्यू है, साथ में जो है अपना मैं लान भी दिखाऊंगी जिसमें घास लगी हुई है, साथ में बाउंड्री के लिए हेज प्लांट लगाया हुआ है। तो मेरे किसी व्यूअर फ्रेंड ने मुझे बोला था कि घास की जो लॉन में घास लगाई जाती है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो ये देखिए, ये है मेरा लॉन और इस तरीके की घास इसमें लगी हुई है और इसकी जो है बरसात में इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है घास की, और जो हेज लगी है उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो ये देखिए, क्यारी में भी कुछ प्लांट लगे हुए हैं, वो भी दिखाती जाती हूँ साथ में लॉन के भी। और ये मेरे चाइनी ऑरेंज का प्लांट है और इसमें अभी बहुत सारे जो फ्रूट्स आ रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके का लगता है जो लॉन है। तो ये देखिए, ये लॉन है और इसकी जो कटाई का काम है वो हमारे यहाँ माली आता है, वो करता है, क्योंकि बरसात में इसकी बहुत ग्रोथ हो जाती है। हेज प्लांट जो लगा है उसकी भी और जो घास लगा है उसकी भी जो है बहुत जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, तो महीने में दो बार इसकी कटाई करनी पड़ती है, तो वो ये काम जो है वो माली ही करता है। तो ये देखिए, इस तरीके का घास लगता है देखने में, और इसको लगाने का काम भी जो वो माली लोग ही करते हैं, खुद नहीं लगाया जा सकता इसको। देखिए, इस तरीके का लगता है ये ग्रास, और साइड साइड में बहुत सारे और भी प्लांट मैंने क्यारियों में लगा रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये कोक्सकॉम का प्लांट है और इसमें इधर मैंने जो है कटिंग लगाई थी कोलियस की, वो भी लग गई हैं। और ये लॉलीपॉप का प्लांट है, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, और वंडरिंग जू और पर्पल हार्ट। तो ये इनके साथ ही चीकू का प्लांट जो क्यारी में ही ग्रो किया हुआ है मैंने, तो इसमें अभी फ्रूट भी आ रहे हैं छोटे छोटे, और अपराजिता की बेल भी मैंने इधर ही लगाई हुई है। तो साथ में इसके जो है एक कुंदा का प्लांट है, अभी इसमें जो है फूल नहीं आ रहे हैं। तो एक नींबू का प्लांट लगाया हुआ है, और कोलियस, बिंका और गुलाब के प्लांट हैं, और ये है पोटला का, अभी खिला हुआ नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो लॉन में जो झूला रखा है उसके साथ तो मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट लगा के रखी हुई हैं, और ये देखिए, और कुछ जो प्लांट हैं जरवेरा के लगे हुए हैं। अभी इनका सीज़न आने वाला है अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में। तो ये देखिए, पपाया का भी एक प्लांट जो है लॉन में लग रहा है। इसको ऐसे ही क्यारी में बीज डाल तो जो पपाया के प्लांट हैं वो उग जाते हैं, और ये देखिए इसमें तो फ्रूटिंग भी हो रही है अभी, तो मैं तो ऐसे ही बीज डाल देती हूँ तो प्लांट उग जाते हैं। और ये जेट्रोफा का प्लांट है और इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है और पूरे साल ही होती रहती है। तो इसमें एक मैंने जो है चांदनी का, जो डबल चांदनी होती है, उसका प्लांट भी मैंने क्यारी में ही ग्रो कर रखा है, और ये देखिए कितने अच्छे इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं। और कुछ कोलियस लगे हुए हैं यहाँ, और गुल मेहंदी तो जगह जगह ही उग जाती है खुद ही, इस समय इसका जो है टाइम है। और ट्रम्पिट वाइन की भी जो बेल है वो भी इधर ही है। और ये देखिए, मैंने एक ड्रेसिना के का भी प्लांट इधर लगाया, ये है ट्रम्पिट वाइन। इसके जो ज़्यादातर फूल हैं वो बाहर वाली साइड ही होते हैं, और ये इसकी जड़ है इधर। और ये देखिए कुछ, और ये देखिए कुछ और गुल मेहंदी के प्लांट, और ये इसका कलर थोड़ा अलग है, ये चाइना ऑरेंज का प्लांट है, मैं दूसरी साइड से दिखा रही हूँ आपको अभी। और ये हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं, और ये देसी वाला है, बिल्कुल रेड कलर है इसका और बहुत लंबा भी हो गया। मैं बहुत बार इसकी प्रूनिंग भी करती हूँ फिर भी ये बहुत लंबा हो जाता है। और ये भी एक गुलमेहंदी, अमरलेस लिली और जो एलोवेरा के भी बहुत सारे प्लांट जहाँ लगे हुए हैं। और ये देखिए गुलमेहंदी फिर से, और ये खुद ही उगाती हैं जब इनका सीज़न होता है, तो इनको लगाना नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, एक चांदनी का प्लांट है जिसको माली ने कटिंग कर करके बिल्कुल गोल सा बना दिया है। तो इसमें फूल वो कम ही इसमें आते हैं क्योंकि कटिंग कर देता है माली।
ये कुछ और प्लांट हैं जो क्यारी में लगे हुए हैं, कुछ गुलाब के प्लांट हैं, और ये देखिए बहुत ही कलरफुल सा प्लांट है ये कॉक्सकॉम, और ये है हिबिस्किस की मैंने कटिंग कर दी थी तो अब इसमें ग्रोथ आ रही है न्यू न्यू, और मोतिया का प्लांट भी है इसमें भी, और ये है कोलिस का प्लांट जो ज़मीन में लगा हुआ है, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और ये देखिए और मिर्च के प्लांट भी लगाए हुए मैंने, बिंग का लगा हुआ है और उसमें फूल भी आ रहे हैं अभी। तो ये देखिए हमारे लस लिली और पर्पल हार्ट भी क्यारियों में मैंने लगाया हुआ है, इसकी छोटी सी कटिंग भी लगाओगे तो वो चलती जाती है। और ये एस्पेरिगस फर्न है, और ये एक जूफोर्बिया मिली का एक बहुत बड़ा गमला मैंने अभी इधर रखा हुआ है। तो ये देखिए एक तोरी की बेल है ये, और एक हैंगिंग बास्केट है इसकी टर्टल वाइन की, और ये पर्पल हर्ट। तो ये बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है, इसमें अभी बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, और ये हर साल इसमें पूरे साल जो है फ्रूटिंग होती रहती है। और ये देखिए ये कुछ हैंगिंग बास्केट मैंने झूले के साथ कुछ अमरूद के पेड़ के साथ जो है लगा के रखी हुई हैं, और बारिशें बहुत कम हो रही हैं इसलिए जो है फूल भी कम ही आ रहे हैं। और जेट्रोफा की जो कटिंग पिछले साल लगाई थी तो इसमें इस साल अभी जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और पपाया के भी ऐसे बीज डाल दो तो इसके पपाया के जो प्लांट्स हैं उगाते हैं। तो मिर्च के प्लांट भी लगा रखे हैं मैंने, और कुछ फ्रूट्स के प्लांट भी लगाए हुए हैं, और कैना लिली है, एलोवेरा है, कॉक्सकॉम है, और सिंगोनियम भी है, बहुत सारे इकट्ठे ही प्लांट लगे रहते हैं क्यारियों में, और बिंका है, गुल मेहंदी है। तो गुल मेहंदी तो खुद ही उगाता है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए जेट्रोफा की एक और मैंने कटिंग लगाई थी, जेट्रोफा भी एक ऐसा प्लांट है जिसको हम कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं, और कुछ करेले की प्लांट भी मैंने लगाए हुए हैं, और ये है हिबिस्कस का प्लांट है, एक और देसी हिबिस्कस का, काफ़ी बड़ा हो गया और फूल भी आ रहे हैं इसमें अभी। तो ये देखिए करेले, इसमें करेले भी आते हैं, मैंने कल भी बहुत सारे तोड़े थे। ये देखिए ये है करेले का प्लांट,